आज मैं मोमोज बनाऊंगी। मैंने मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैदा लिया है, इसका मैं डो बनाऊंगी। सबसे पहले मैदे में मैं नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसके बाद इसमें पानी मिलाकर एक सख्त डो बनाना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी और इसका डो बनाऊंगी। मैंने आटा गूंद लिया है और ये थोड़ा हार्ड ही है, आप देख सकते हैं इस तरह का। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। मैंने मोमोज की स्टफिंग के लिए यहाँ कुछ सब्जियाँ ली है। ये आधी पत्ता गोभी है, इसे मैंने घिस लिया है। 2 गाजर है, इसे भी मैंने घिस लिया है। और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे अच्छे से चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। अब मैं इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, क्योंकि इससे पानी रिलीज होगा और उस पानी को हमें निकाल कर फेंकना है। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सब्जियों ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं हाथों से ये सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर दूसरे बाउल में रखते जाऊंगी। मैं इसी तरह से सारे सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूँ। मैंने स्टफिंग का सारा पानी निकाल दिया है और ये हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तीखी चटपटी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को सर्व करते हैं। ये तीखी चटपटी मोमोज की चटनी और ये मायोनीज़। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को सर्व कर लेते हैं। मैं मोमोज की चटनी की रेसिपी भी दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मोमोज की चटनी के बिना तो मोमोज अच्छे ही नहीं लगते, तो चटनी भी ज़रूर बनाइएगा। अब मैं मेयोनीज भी सर्व कर लेती हूँ। अब मैं स्टफिंग में 1/2 टीस्पून सोया सॉस मिलाऊंगी और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। डो को रेस्ट देते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं उसमें से थोड़ा सा लोई तोड़ूंगी और इस तरह से फैला दूंगी। अब इसे मैं बेल लेती हूँ। मैंने मोमोज को स्टीम करने के लिए मोमोज बनाने वाला स्टैंड ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इस तरह का एक पतीला ले लें, इसके ऊपर वो होल वाली प्लेट जो आती है उसे रख दें और उसके ऊपर मोमोज स्टीम कर सकते हैं। प्लेट आप इस तरह की प्लेट ले सकते हैं, ये होल वाली प्लेट है, इस तरह से बिठा कर रख सकते हैं। मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग रखूंगी। अब मैं मोमोज को फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से प्लेट्स बनाते जाना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और अब इस बचे हुए पोर्शन को लाकर इधर मिला देना है इस तरह से, और अच्छे से बंद कर देना है। मोमोज बनाने का एक और तरीका है, इस तरह से स्टफिंग डाल लें। ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से कोई भी बना सकता है। और इस तरह से फोल्ड करते जाएं। देखिए पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से, और यहाँ हमने मोमोज वाले स्टैंड में इस तरह से लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा गैप है। मैंने इस बर्तन में पहले ऑयल ग्रीस कर लिया था, अब मैं इस बर्तन को यहाँ इसके ऊपर डाल देती हूँ। मैंने सारे मोमोज को स्टैंड के ऊपर लगा दिया है। अब मैं मोमोज को 12 से 15 मिनट तक स्टीम करूँगी। 15 मिनट हो चुका है और हमारे मोमोज स्टीम हो चुके हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका मतलब हमारा मोमोज स्टीम हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी मोमोज बनकर तैयार हैं। मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं स्टफिंग भी कितना टेस्टी लग रहा है।
ये आप लोगों के लिए।